So, in the previous video, we have discussed about the types of joints on the basis of structure. तो हमने दो टाइप्स पढ़ लिए थे, एक कार्टिलेजियस पढ़ा था हमने और एक फाइब्रस जॉइंट्स पढ़ा था, और थर्ड पे आ रहा था हमारा सिनोविक जॉइंट्स, जिससे मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बताया था और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसे समझे कि एक बड़ा जॉइंट टाइप है जिसमें और तीन दो टाइप आ रहे हैं, जिसमें हैम जॉइंट आ रहा है और बॉलेट सॉकेट जॉइंट आ रहा है। तो मैंने सोचा था कि इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सिनोविक जॉइंट्स, ये थर्ड नंबर पे आ रहा था, कार्टिलेजिनस एंड फाइब्रस जॉइंट्स हमने पढ़ लिया था। तो सिनोविक जॉइंट्स बेसिकली होता क्या है, तो दीज आर द जॉइंट्स कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद द फिलर एंड आर एडॉप्टेड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन रगड़ बिटवीन द मूविंग जॉइंट्स। बेसिकली जॉइंट का मतलब बता दिया था कि ये दो बोन्स को जस्ट आपस में होल्ड नहीं करता, बट उसको जो है ना एक मूवमेंट के लिए, मूवेबिलिटी के लिए उनको सपोर्ट भी करता है। तो सिनोविक जॉइंट्स में क्या होता है कि जब दो बोन आपस में मिल रहे हैं, तो ये जब दो बोन मिलेंगे आपस में, फॉर सपोज ये दो बोन आपस में मिल रहे हैं, तो इनके ऊपर एक कैविटी बनी होती है, ये जॉइंट है इनके बीच में एक कैविटी बनी होती है, और कैविटी में क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक वाटर मटेरियल होता है, फ्लूइड मटेरियल होता है जो इनके बीच में होता है। और इस फ्लूइड का काम क्या होता है, इस फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये दो बोन आपस में मिल रहे हैं, ये बोन और ये बोन के बीच में जो जॉइंट है, ये आपस में बोन को फ्रिक्शन से रोकता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, आपस में रगड़ ना हो, ये दो बोन्स की आपस में रगड़ ना हो, अगर रगड़ होगी तो ये रगड़ के अगर फास्ट सपोज ये फ्लूइड ना हो, अगर रगड़ होगी आपस में फ्रिक्शन हो, टू बोन्स आपस में अगर आपस में रगड़ हो रही है दो बोन्स के बीच में, तो क्या होगा, पहले तो आपको जो है ना पेन भी हो सकता है, और दूसरी बात क्या होगी कि आप अच्छे से मूव नहीं कर सकते, दो बोन अच्छे से मूव नहीं कर सकते। तो इस सिनोविक जॉइंट्स में क्या होता है, दो बोन्स के आपस बीच में कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है जो रिड्यूस करता है रगड़ को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और नंबर सेकंड में पॉइंट जो मैंने लिखी हुई है, द जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ लेयर, मैंने बताया था ये जॉइंट एक लेयर के साथ कनेक्टेड होती है, जिस जो कनेक्टिंग लेयर है उसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल, और जो इनर लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं सिनोविक मेम्ब्रेन। ये लेना है सिनोविक जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सिनोविक मेम्ब्रेन, सिनोविक जॉइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको भी हम बोलेंगे सिनोविक मेम्ब्रेन। और जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखी है वो लगा है कि सब पार्ट्स ऑफ द कैप्सूल, जो अंदर कैप्सूल है लेयर ऊपर वाली कैप्सूल, मे बी मॉडिफाइड टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट लिगामेंट होल्डिंग द बोन्स टुगेदर। समटाइम क्या होता है, समटाइम नहीं बल्कि बहुत से जॉइंट जो होते हैं सिनोविक जॉइंट्स में, उसमें एक लिगामेंट्स भी बन जाते हैं, एक थ्रेड्स बन जाते हैं जो होल्डिंग करते हैं बोन्स को टुगेदर टाइटली, जो ऊपर होते हैं यहां पे लिगामेंट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि दो बोन्स को आपस में जो कैविटी बना है वो टाइटली पैक्ड होती है, तो लिगामेंट्स का काम होगा कि उनको टाइटली पैक करना। और जो फोर्थ पॉइंट में लिखी है मैंने, वो लिखा है कि बेस्ट ऑन द स्ट्रक्चरल मूवमेंट, स्ट्रक्चर और मूवमेंट के बेस पे अलो करके सिनोविक पॉइंट्स सिनोविक जॉइंट्स के लिए क्लासिफाई कर दिया है हमने दो कैटेगरीज में, किसके बेस पे, एक मूवमेंट पे और दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट के बेस पे हमने सिनोविक जॉइंट्स को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, फर्स्ट पे आ रहा है हैम जॉइंट्स और नंबर सेकंड पे आ रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हैम जॉइंट क्या होता है, हैम जॉइंट अलो द मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, मतलब कि जो हैम जॉइंट होंगे उनमें टू डायरेक्शन में मूवमेंट होगी बोन्स की, टू डायरेक्शन में, वो कहां पर होते हैं, एल्बो, ये हमारे एल्बो, टू मूवमेंट्स ना इन करना एंड आउट करना, टू मूवमेंट्स फॉलो करती है। और दूसरा क्या होता है ना नीज, जो नीज होती है उनमें भी ये जो होती है वो बेसिकली सिनोविक जॉइंट्स होता है, पर वो सिनोविक कौन सा टाइप होता है, वो हैम जॉइंट्स, हैम जॉइंट्स टू मूवमेंट्स फॉलो करता है इन एंड आउट, ये हमारे नी हो गए, एल्बो हो गए, ये हमारे टू डायरेक्शन में मूवमेंट करती है जब इसको बोलते हैं हैम जॉइंट्स। और ये कहां पर होते हैं, एल्बो एंड नीज, ऑल दीस जॉइंट्स पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज्ड द सेम प्लेन एज द जॉइंट, जो हमारे मसल्स होते हैं वो उसी प्लेन में होते हैं जहां पर जॉइंट्स होते हैं। और दूसरा नंबर पे आ रहा है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, नाम से पता चल रहा है बॉल, एक बॉल होगा और उसके अंदर जो होगा वो सॉकेट होगा, एक बॉल बना होगा उसके अंदर एक सॉकेट बना होगा, सॉरी एक सॉकेट बना होगा और उसके अंदर एक बॉल होगा, जब भी हमने नाम रखा इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। These joints allow the movement in several directions. ये just hind joints two direction में allow कर रहा था,
बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट में क्या होता है कि दो से मजीद मींस के दो से ज्यादा जो जितने भी डायरेक्शंस होते हैं इन आउट इधर उधर लेफ्ट राइट मतलब कि सेवरल डायरेक्शन मोर देन द टू डायरेक्शन में हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं। वो कहां पर होते हैं? सच जॉइंट सेवरल इज टू पेयर ऑफ मसल्स होते हैं और परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं और परपेंडिकुलर हियर होती है एक ऐसे होती है और ऐसे होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन। तो ये कहां पर होते हैं? दे प्रोवाइड द मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो हमारा देता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं? वो है थर्ड नंबर पे जिसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट्स। और वो कौन से हैं? कहां पर होते हैं? वो हमारे हिप जॉइंट्स में और एंड शोल्डर जॉइंट्स में। ये जो हमारे शोल्डर जॉइंट्स है यहाँ पर एक कैविटी बनी होती है और जो ऊपर वाला बोन होता है वो बॉल की तरह होता है और उसको मूवमेंट कर सकते हैं इन एंड आउट कर सकते हैं देखें इधर भी कर सकते हैं इधर भी इसके वही और मूवमेंट और एल्बो इन सेवरल वेज नॉट ओनली टू वेज इन द सेवरल वेज जैसे कि हमारे हिप मसल्स हो गए हम टांग को इसे घुमा सकते हैं अराउंड कर सकते हैं आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये जो हमारे हिप के हिप का जो जॉइंट होता है और हमारा ये शोल्डर का जॉइंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो हमारा शोल्डर होता है वो उसकी हड्डी होती है राउंड की तरह और जो फिक्स होता है जिसमें वो एक सॉकेट बना होता है ऐसे जब भी हम इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मतलब इसको हम अराउंड ऐसे भी घुमा सकते हैं इन एंड आउट भी कर सकते हैं मींस के मूवमेंट अलोस इन सेवरल वेज जब भी हम इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था अबाउट द साइड ऑफ जॉइंट्स। तो अगर रिगार्डिंग इसके कोई क्वेश्चन हो बॉल सॉकेट या हाइंड कोई भी डिफरेंस हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह उसमें भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सी यू अल्लाह हाफिज़।